बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पंजाबी फूड व्लॉग। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बिल्कुल देसी स्टाइल में चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, लाजवाब टेस्ट है इसका। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और मुकम्मल रेसिपी की वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो बिरयानी के लिए मैंने रख दिया है सबसे पहले प्याज, प्याज़ को हम हल्की आंच पे ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन। अब हम इसमें लहसुन का पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर दो बड़े कटे हुए और तकरीबन एक बड़ा चम्मच खाने वाला नमक डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच मिर्चों का पेस्ट डाल देते हैं। ये साबुत मिर्च है, डंडी वाली, इसको हम पीस के उसको तो हमने इसका पेस्ट बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने चिकन डाल दिया है इसमें। चिकन को हम कर लेते हैं अच्छी तरह से फ्राई। इसमें पानी नहीं डालेंगे बल्कि ये अपने ही पानी में गल जाएगा। इसमें कुछ गरम मसाला ऐड कर देते हैं साबुत, ताकि खुशबू इसकी अच्छी आ जाए। इसमें हमारे रिम ये हम अदरक डाल रहे हैं तकरीबन 2 टीस्पून, मैश करके डाल रहे हैं। घर की जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं जिनका पेस्ट बनाते हैं, उनका रंग बहुत सुरख होता है और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा आता है। गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो हम इसमें से चिकन जो है ना ये निकाल लेते हैं क्योंकि ये हो चुका है फ्राई। अब इसी मसाले में हम चावल धो के तो डाल देंगे। घी इसका पूरा डाला था हमने, जितना के चावलों में डाला जाता है। ये बिल्कुल देसी स्टाइल पुलाव है, चिकन पुलाव, और स्पाइसेस जो इसमें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। इसमें अब ये मसाला रह गया और घी रह गया। अब इस मसाले और घी में हम चावल डाल देंगे। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब हम चावल डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। जितने चावल हैं चावल से दो गुना ज़्यादा, दो गुना हम पानी डाल देंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो चावलों का पानी हो चुका है खुश्क हमारा। अब इसमें हम कुटा हुआ गरम मसाला और मज़ीद डाल देते हैं। पहले साबुत गरम मसाला हमने फ्राई जब किया है गोश्त चिकन तो उसमें डाला है। अब दम लगाने से पहले फिर गरम मसाला डाल देंगे बारीक थोड़ा सा कूट कर। चिकन जो हमारे पास फ्राई किया हुआ है अब ऊपर इसकी लेयर एक कर देते हैं। चिकन अच्छी तरह ऊपर फैला देंगे इसके। अब इसको दम लगा देते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको दम लगाएंगे तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब इसको दम लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल सिंपल देसी स्टाइल में तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारे पक गए। अब इन्हें हम सर्व करते हैं जी। तो व्यूवर्स, हमारी ये चिकन बिरयानी की देसी स्टाइल में चिकन बिरयानी की जो रेसिपी है ये बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी बिरयानी बनी है। चावल भी बिल्कुल अलग अलग हैं, टेस्ट भी लाजवाब है इसका, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। इसमें स्पाइसेस जितने भी यूज़ किए हैं आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल और देसी तरीका है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल है। तो बहुत मज़े की ये बनती है। उम्मीद है कि मेरी ये आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। अब चाहती हूँ इजाज़त आइंदा वीडियो तक। आप सबका अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।